नवग्रहों में राजकुमार के पद पर मौजूद बुध ग्रह, जिन्हें ज्ञान, व्यापार और त्वचा का कारक माना गया है, उनकी गुरु ग्रह से बिल्कुल भी नहीं बनती है। हम आपको बता दें कि दोनों ग्रहों के बीच शत्रुता भी है और इसके पीछे एक अजीबोगरीब कहानी भी है। मत्स्य पुराण में इस पुराण के अनुसार बुध और गुरु में शत्रुता इसलिए है क्योंकि अवैध संतान होने की वजह से गुरु ने बुध का त्याग कर दिया था। आपको बता दें कि कथा में बताया गया है कि चंद्रमा ने एक बार इंद्रलोक पर अधिकार करने की इच्छा से भगवान विष्णु के कहने पर राजसूय यज्ञ किया था। इस यज्ञ खत्म होने पर जब चंद्रमा स्नान करके आए तो इतने रूपवान हो गए कि कई कन्याएं चंद्रमा के प्रति आकर्षित हो गईं। यहां तक कि चंद्रमा के रूप को देखकर उनके गुरु की पत्नी तारा भी आकर्षित हो गई थी। चंद्रमा ने उनके लिए अपना प्रेम दर्शाया और अपने साथ ले गए। इससे गुरु बहुत नाराज हुए और चंद्रमा की शिकायत भगवान शिव से की। भगवान शिव के कहने पर भी चंद्रमा ने गुरु की पत्नी तारा को वापस करने से मना कर दिया। इससे भगवान शिव और चंद्रमा के बीच युद्ध शुरू हो गया। युद्ध में राक्षस गुरु शुक्राचार्य ने चंद्रमा का साथ दिया। ब्रह्मा जी ने युद्ध को रोका और चंद्रमा को समझा बुझा कर गुरु पत्नी को लौटाने के लिए मना किया। तारा गुरु के पास लौट गई, लेकिन कुछ दिनों बाद उन्होंने एक बालक को जन्म दिया। तारा ने बताया कि ये चंद्रमा और उसकी संतान है। चंद्रमा को जब इस बात की जानकारी हुई तो वो अपने पुत्र को साथ ले गई। इस तरह गुरु और बुध दोनों एक दूसरे के शत्रु बन गए। नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल की रिपोर्ट।